Assalamualaikum. Hope you are doing well. Today I am going to show you how we can write an effective proposal using ChatGPT. हम एक आई कैचिंग और एक बहुत ही मुफीद जिसमें हम क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकें ऐसा प्रपोजल लिखें और हमारा टाइम भी सेव हो और ज़्यादा टाइम भी स्पेंड ना करना पड़े, तो हम ChatGPT की मदद ले सकते हैं इस काम को करने के लिए। एक तो आपका टाइम भी सेव होगा यूजिंग ChatGPT और आप कम टाइम में ज़्यादा प्रपोजल भी लिख सकते हैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रपोजल भी लिख सकते हैं। आप दो तीन मेथड हैं जिसमें आप प्रपोजल को अपनी स्किल, इसमें थोड़ा होगा कि आपको बाद में एडिट करना पड़ेगा, मे बी आपकी जो स्किल से रिलेवेंट थोड़ा लिख दे, लेकिन उसमें आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ऐसा भी है कि ये एग्जैक्टली आप इसको पहले भी बता दें कि एग्जैक्टली आपकी स्किल्स क्या हैं, तो ये उससे रिलेटेड 90% एक्यूरेट ही लिखेगा जो आपकी स्किल से रिलेटेड है। अगर आप इसे ऑलरेडी मेंशन कर दें, थोड़ा बहुत ये लंबी छोड़ देता है बीच बीच में, तो उससे उधर आप एडिट वगैरह करके तो थोड़े बहुत चेंजेस करके सबमिट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है प्रपोजल लिखना ChatGPT की मदद से। ChatGPT एक तो है भी फ्री, आप फ्री में कम टाइम में ज़्यादा प्रपोजल भी लिख सकते हैं। अपने सिंपली अपवर्क पे आना है, अपवर्क पे आने के बाद अपने जो भी स्किल है उसको सर्च कर लेना है। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो स्पेसिफिक नीश है उसमें आ जाना है। लेट्स सी एग्जैक्टली जो मेरी स्किल है, मैं इधर से अमेजोन से रिलेटेड सर्च करता हूँ। अमेजोन से रिलेटेड जो भी मुझे लगता है कि इस पर मुझे सबमिट करना चाहिए प्रपोजल, आप मेक श्योर करना कि बंदा वेरीफाइड हो। सबमिट जब करने लगे प्रपोजल तो समटाइम ऐसा भी होता है जिस तरह फाइवर पे स्कैम हो रहे हैं, अपवर्क पे भी हो जाते हैं स्कैम्स, तो कोशिश करें इस चीज़ को अवॉइड करें। हम इसका सबमिट करके देख लेते हैं। इसमें मेन थिंग जो है आपने देखनी है कि जो आप प्रपोजल सबमिट करने वाले हैं किस तरह क्लाइंट की बात क्लाइंट को डिलीवर करनी है, और वो जो एग्जैक्टली सुनना चाहता है आपसे आपने वही बताना है। लेट्स सी, ये ऑथेंटिक लग रहा है, वेरीफाइड है। इस पर सबमिट करते हैं प्रपोजल और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्लाइंट क्या चाह रहा है, उसके मुताबिक ये प्रपोजल लिखेगा ChatGPT। इसका ना देख लें ये एग्जैक्टली चाह क्या रहा है, इसको किस तरह का बंदा चाहिए, क्या क्या उसकी एक्सपर्टीज हो, उसका पढ़ लेना है सारा, पहले रीड करना है केयरफुली, फिर उसमें से ना मखसूस हिस्सा जो लगे कि एग्जैक्टली ये चीज़ वो टारगेट कर रहे हैं, अमेजोन का एक्सपर्ट हो, कितना एक्सपीरियंस हो, कितनी एक्सपर्टीज हो, क्या क्या स्किल सेट हो, होलसेल के लिए चाहिए, ब्रांड अप्रूवल लेना है, PPC के लिए चाहिए, अकाउंट रजिस्टेंट करना है, एग्जैक्टली कौन सी उसको स्किल चाहिए वो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आपने वो हिस्सा कॉपी कर लेना है जो एग्जैक्टली वो मेन उसका टारगेट है, ताकि बिल्कुल बार बार इस चीज़ का जिक्र करके उस आई कैचिंग प्रपोजल बनाया जा सके। ChatGPT में पेस्ट करने के बाद आपने लिखना है राइट ए प्रपोजल फॉर दिस जॉब। लिखते हैं राइट ए प्रपोजल फॉर दिस जॉब, यहाँ पे इसने प्रपोजल लिखना स्टार्ट कर दिया है। इसमें कुछ एडिटिंग आपको करनी पड़ सकती है मे बी, क्योंकि कुछ चीज़ें हो जाती हैं एक्स्ट्रा लिख देता है, ज़रूरी नहीं कि ये एक्यूरेटली लिखे सारा जो आपको चाहिए, आपकी स्किल सेट से रेलेवेंट भी लिख सकता है। आपने जस्ट इसको कॉपी करना है, इधर से ये लिख रहा है, आप इसको ये भी बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कितने वर्ड्स का हो, कितने कैरेक्टर्स का हो, तो आप अगर लिमिटेड करना चाहते हैं तो देन आप लिमिटेड भी कर सकते हैं। ये आपकी स्किल्स भी डिस्क्राइब कर देगा कि एग्जैक्टली आप कौन कौन सी मतलब सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, प्रोडक्ट्स रिसर्च A to Z सारा कुछ ये इसमें बता देगा, PPC जो भी आपकी सर्विसेज देंगे, आप इससे सेपरेटली मेंशन भी कर सकते हो। सारा यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है ChatGPT में से, एक बार थोड़ा रीड कर लें ताकि अगर कुछ चेंजेस वगैरह करनी है तो आप पहले कर लें सबमिट करने से पहले। आपने अवर पे आने के बाद सबमिट प्रपोजल करने के बाद आप कुछ प्रोफाइल होती है डिफरेंट बनाई होती है, तो वो भी आपने चूज कर लेंगे एग्जैक्टली आप किस से किस स्किल सेट से रिलेट सबमिट करना चाहते हैं। उसके बाद आपने कवर लेटर में आना है, कवर लेटर में सिंपल है, आपने कवर लेटर में ये प्रपोजल पेस्ट कर देना है। कवर लेटर में आने के बाद आपने ये प्रपोजल इधर पेस्ट कर देना, अपना लास्ट पे नाम लिख देना है, मे बी ChatGPT भी कोई नाम या फिर कुछ ना कुछ लिखे लास्ट पे, आपने वहाँ पे अपना नाम लिख देना है, और इसके बाद आप रिव्यू और एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल इसको सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आप यूजिंग ChatGPT आप एक आई कैचिंग प्रपोजल लिख सकते हैं।
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।